हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। गर्भावस्था के दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को लेकर गर्भवतियों में उन्हें खाने की लालसा बढ़ सकती है, जिसमें एक नाम जामुन का हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, प्रेगनेंसी में जामुन खा सकते हैं या नहीं, कितनी मात्रा में खा सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, क्या जामुन खाने से बच्चे का रंग काला हो सकता है। प्रेगनेंसी में मां और भ्रूण के स्वास्थ्य को देखते हुए यह सवाल गंभीर हो सकता है। यही वजह है कि यह वीडियो हम आपकी गर्भावस्था में जामुन खाने से जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर आए हैं। यहां आप प्रेगनेंसी में जामुन के फायदे और नुकसान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान क्या जामुन का सेवन कर सकते हैं। जामुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने और उसके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जामुन खाने से भ्रूण यानी शिशु की त्वचा पर गहरे स्पॉट पड़ जाते हैं, लेकिन इस तथ्य को सच साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके लिए ये जानना जरूरी होता है कि जामुन से आपको क्या फायदा मिलेगा। जामुन में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने से रोकता है और भ्रूण के सही विकास में मदद करता है। इस फल में उच्च मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि भ्रूण की आंखों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में एनीमिया का खतरा भी ज्यादा रहता है, जो कि जामुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे एनीमिया जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बना रहता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। जामुन में मौजूद पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रेगनेंसी के 9 महीने में हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। प्रेगनेंसी में जामुन का सेवन मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान कितनी मात्रा में जामुन खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान 8 से 10 जामुन आप डेली खा सकते हैं। रोज इतनी मात्रा में जामुन खाने से आपको और आपके शिशु को इस फल से काफी सारे लाभ मिल सकते हैं। अब बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान कब जामुन का सेवन नहीं करना है। जामुन में ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बना सकता है। अगर आपको पथरी का खतरा है तो जामुन ना खाएं। यदि गर्भावस्था के हिसाब से आपका संतुलित वजन नहीं है तो आप जामुन नहीं खाइए, क्योंकि इसमें 0 कैलोरी होती है। अब आते हैं उस सवाल के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है, क्या जामुन खाने से बच्चे का रंग काला होता है। तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में जामुन खाना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जामुन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, जो आपके शिशु के हड्डियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। जामुन खाने से पेट से संबंधित विकार दूर होते हैं। जामुन खाने से कब्ज दूर होता है और मुंह के छाले भी कम हो जाते हैं। जामुन खाने से शुगर का स्तर भी सामान्य होता है। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाले डायबिटीज से भी बचाता है। इसलिए अगर आप अपने डाइट में जामुन का सेवन करना चाहती हैं तो एक लिमिट में और डॉक्टर की सलाह के बाद करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।